Now I am starting question number 4, exercise 10.4, vector algebra, very easy chapter this one. अगर आप इसे सीखने के पर्पस से देख रहे हैं तो जरूर सीखिए, सीखना अच्छी बात है. लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि आप सीखे भी और एग्जाम में ज्यादा मार्क्स भी लाएं, तो ब्रदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इस तरह के जो ये इजी सम्स हैं ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं. उसके लिए आप हमारी एक वीडियो जो 1 जनवरी को हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, वो जरूर देखिए. और उसमें आपको हम वेक्टर एल्जेब्रा चैप्टर से कौन कौन से सम्स मोस्टली पूछे ही जाते हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे. चलिए हम अभी सॉल्यूशन में आते हैं. तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपने इसके साथ करना है. और कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है ब्रदर आपका. तो आप ए के साथ ए का क्रॉस करिए, ए क्रॉस ए प्लस ए का आप बी के साथ क्रॉस करिए, ए क्रॉस बी. और अब इसके बाद ब्रदर आप बी का क्रॉस करिए, माइनस बी क्रॉस ए. और इसके बाद ब्रदर बी का बी के साथ, तो आपके पास हो गया माइनस बी क्रॉस बी. ठीक है. अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ए का क्रॉस आप ए के साथ ही करेंगे, क्योंकि क्रॉस में तो क्या बनता है, आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाली स्टाइल है ना, 4.2 वाला चैप्टर, अगर सेम टू सेम का ही आप उसमें वो बनाओगे तो रो या कॉलम क्या हो जाएंगे, आपके रो जो होती है आइडेंटिकल हो जाएंगी. और आइडेंटिकल हो जाएंगी तो क्या आएगा, जीरो आएगा. अगर आप ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, फोर्थ चैप्टर ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ए एक वेक्टर है ए और दूसरा भी ए वेक्टर है, उसका आप क्रॉस करते हैं, हमेशा जीरो आता है. तो आपके पास यहां पर भी ये भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा. बात समझे. एक बात और सीखिए, वो आपके पास ये है कि आप अगर माइनस बी का क्रॉस है ए के साथ और आप इसको ए को आगे और बी को इधर लेके आना चाहते हैं, यानी कि आप B क्रॉस A लाना चाहते हैं, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा. ये दो रूल आपने यहां पर एप्लीकेबल करने हैं. तो ब्रदर ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है जीरो और प्लस A का क्रॉस B के साथ. और यहां पर आपके पास ये समझ गए प्लस कैसे हो गया, मैंने बताया था ना आगे पीछे हमने, इस तरह से ये ऑप्शन हो गया है और क्रॉस B, और इसका कितना आएगा सर, जीरो आ जाएगा. तो आपके पास ये कितना आ गया है, सेम टू सेम एक एरा, यानी दो बंदे. तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही हमें प्रूव करना था. आई होप आपको ये सिंपल सा सवाल काफी इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें जो ये दो चीजें हैं ना, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, इनका हम बड़े सवालों में भी यूज करेंगे. थैंक यू वेरी मच.